सुनो ध्यान से, टीचर भले ही चिल्ला ले, कोई भी टीचर, मैं हूं या कोई भी, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मुझे पता है टीचर ने मेहनत की है, लेकिन एक स्टूडेंट से ज्यादा मेहनत कोई टीचर नहीं कर सकता, क्योंकि वो स्टूडेंट जो है वो एक सिलेबस, एक सब्जेक्ट नहीं, वो चार चार तीन तीन पांच पांच सब्जेक्ट खेलता है। अगर मैं इंग्लिश में मास्टरी कर रहा हूं तो मैं इंग्लिश के बारे में जानता हूं, तो मैं उसी चीज को बार 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 करूंगा, लेकिन उस स्टूडेंट को मैथ्स भी करना है, फिजिक्स भी करनी है, उस स्टूडेंट को जीएस भी करनी है, उस स्टूडेंट को रीजनिंग भी करनी है, मैथ्स भी करना है, इंग्लिश भी करना है, और जो इतनी सारी चीजों को हैंडल कर रहा है वो है रियल वॉरियर। कम नहीं है बेटा, मैंने 12 घंटे की जब क्लास ली तो उसके बाद मैं सो गया, और मैं सोते सोते अभी तक भी सो रहा हूं, लेकिन तुम तब से जाग रहे हो और तुम अभी तक भी मेहनत कर रहे हो और अभी भी पढ़ रहे हो। तो हमसे ज्यादा मेहनत तो आपने की है, स्टूडेंट से ज्यादा मेहनत कोई नहीं कर सकता, टीचर कितना भी क्रेडिट क्यों ना ले ले, वो बात अच्छी है कि गुरु जो है रास्ता दिखाता है, लेकिन स्टूडेंट से ज्यादा मेहनत वो कभी भी नहीं कर सकता, मेहनत स्टूडेंट ही करता है। असली योद्धा तो आप हैं यार, कैसे हम इस क्रेडिट को हम कैसे ले ले अपने नाम पे, ऐसा नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो गए। लेकिन मैं बोलना नहीं चाहता, जिस दिन करके आओगे एक बात याद रख लेना भाई, सिर्फ तुम अपने लिए नहीं जा रहे हो, तुम्हारे पीछे बहुत सारे लोगों का दांव लगा हुआ है, तुम्हारे माँ बाप की भी इज्जत है और हमारी भी इज्जत है भैया, ये बात ध्यान रख लेना। तुम्हारे सिलेक्शन लेने से कल जब गली मोहल्ले में तुम्हारे माता पिता निकलेंगे तो उन्हें ये नाम से जाना जाएगा कि ये उसका पिताजी है या ये उनकी माता जी है, और एक माँ बाप को इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता, ये सच्चाई है। वो कभी आपसे पैसा, तुम सैलरी कभी नहीं मांगेंगे, क्योंकि एज पे जाके ना इंसान को इज्जत की भूख हो जाती है, पैसा बहुत पीछे रह जाता है, और ये सच्चाई है। और वही एक टीचर के लिए होता है कि हाँ कल हम उस गर्व से कह सके कि ये हमारा स्टूडेंट है, हमने इसको पढ़ाया। तो तुम जब पेपर देने जा रहे हो तो सिर्फ अपने लिए नहीं जा रहे, बहुत सारे, मैं बार बार यही तो बताता हूं कि ये जिम्मेदारी है, तुम हनुमान हो, जैसे हनुमान जी ने एक तरफ राम और लक्ष्मण को उठा के ले गए थे ना, ऐसी एक तरफ माता जी को एक तरफ पिताजी को ये जिम्मेदारी है भैया, और ले जाओ उड़ा के। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? आज तुम्हें 18 19 20 साल का कर दिया तो कभी उन्होंने तुमसे कुछ बोला नहीं है, लेकिन अब बिन बोले उनको रिटर्न करने का टाइम आ गया है। इसको रिटर्न करोगे या नहीं करोगे, मुझे कमेंट बॉक्स में सिर्फ यस और नो चाहिए, यस और नो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, यस और नो। पेपर की खोपड़ी में छेद, बिल्कुल इतने छेद करना कि पेपर वाले को भी समझ में ना आए, डिस्पेंस के साथ क्या आता है, दो तीन दिन बाद है पूछ लेता, खैर तूने लास्ट टाइम में पूछ लिया है बताई देता हूं चाहे। अरे यार मेरे को भी सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस।